दोस्तों, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु का पूर्ण अवतार थे। इस अवतार में श्री कृष्ण ने सामान्य रहकर बहुत सारे असामान्य कार्य किए और हमें सही जीवन जीने का मार्ग भी प्रशस्त किया। दोस्तों, श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना हेतु बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को धर्म स्थापना हेतु स्वयं अपने आराध्य महादेव से भी युद्ध करना पड़ा था? जी हाँ दोस्तों, यह युद्ध द्वापर युग का सबसे प्रलयंकारी युद्ध था जो कि महादेव और श्री कृष्ण में हुआ था। तो दोस्तों, यह युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह जानने के लिए देखते रहिए इस एपिसोड को। और दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है भक्त प्रह्लाद के वंशज महाबली राक्षसराज बलि के ज्येष्ठ पुत्र बानासुर की। दोस्तों, बानासुर महादेव का परम भक्त था। बानासुर ने महादेव की घोर तपस्या की और उनसे महाबली होने का वरदान मांगा। तब बानासुर को महाबली करने हेतु भगवान शिव ने बानासुर को सहस्त्र भुजाएं दी। साथ ही साथ बानासुर ने भगवान शिव से यह वर भी प्राप्त कर लिया कि वे उसे हमेशा संरक्षण प्रदान करें। महादेव से यह वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात बानासुर अजेय और अमर बन गया, क्योंकि उसे स्वयं महादेव का संरक्षण प्राप्त हो गया था। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रह्लाद को ये वचन दिया था कि उसके आने वाले 22 पीढ़ियों में जन्म लेने वाले किसी भी राक्षस का वध विष्णुदेव या उनका कोई भी अवतार नहीं करेगा, जिस कारण बानासुर का वध करने में स्वयं विष्णुदेव भी असक्षम थे। महादेव से वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात बानासुर महाबली हो गया, साथ ही साथ वो राक्षसों का राजा भी बन गया। दोस्तों, बानासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। जब उषा बड़ी हुई तब बानासुर ने उसे शिक्षा के लिए कैलाश पर्वत पर भेज दिया। वहां स्वयं माता पार्वती ने उषा को सारी विद्याओं का एवं युद्ध का प्रशिक्षण दिया। कैलाश पे अपने प्रशिक्षण के दरम्यान उषा की भेंट इंद्रदेव, परशुराम, बलराम, सप्तऋषि जैसे कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों से हुई। इन सारे व्यक्तियों से उषा काफी प्रभावित हुई। जब कई वर्षों बाद अपनी शिक्षा पूर्ण करके उषा अपने महल लौटी तब वो अपने पिता के सामने इन सारे प्रतिभाशाली व्यक्तियों का तथा ऋषियों का गुणगान करने लगी। उषा ने बानासुर से यहाँ तक कह दिया कि पिताजी, मैं आज तक आपको ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा समझती थी, लेकिन आपसे भी शक्तिशाली योद्धा इस संसार में है। उषा की यह बात सुनकर बानासुर अति क्रोधित हो गया और उसने उषा से कहा कि हे पुत्री, इस संसार में मुझसे बलवान योद्धा और कोई नहीं, मुझ में स्वयं महादेव के बराबर शक्ति है और यह बात मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाऊंगा। तब स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बानासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। साथ ही साथ उसने संसार के सारे योद्धाओं को भी चुनौती दी। सारे योद्धा इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अगर युद्ध के दौरान बानासुर की शक्ति कम पड़ी तो वो स्वयं के संरक्षण के लिए महादेव का आह्वान करेगा और फिर उन्हें महादेव से सामना करना पड़ेगा, और महादेव से युद्ध करने का मतलब है स्वयं के मृत्यु को ही आमंत्रित करना। इस कारण संसार के सारे योद्धाओं ने बानासुर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और तीनों लोगों को जीतकर बानासुर त्रिलोकाधिपति बन गया। बानासुर का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। वह बानासुर का सामना कुमार कार्तिकेय से हुआ, लेकिन महादेव के संरक्षण के कारण कार्तिकेय ने भी बानासुर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और कैलाश का विजय ध्वज उसे दे दिया। बानासुर के इस कृत्य के कारण महादेव बहुत दुखी हुए और उन्होंने बानासुर से कहा कि हे बानासुर, जाओ और इस विजय ध्वज को तुम्हारे महल में लगा दो, और जिस दिन यह ध्वज टूट जाएगा उस दिन समझ जाना कि तुम्हारे अहंकार का नाश करने वाला आ गया है। तब बानासुर ने उस विजय ध्वज को अपने महल में लगा दिया। एक दिन बानासुर की पुत्री उषा को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में उषा ने एक सुंदर राजकुमार को देखा। अगली सुबह उषा ने यह बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई और उस राजकुमार से मिलने की इच्छा भी व्यक्त की। तब चित्रलेखा ने
अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और उसे यह बात पता चली कि वो राजकुमार और कोई नहीं बल्कि यदुवंशी श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के सुपुत्र अनिरुद्ध है। तब चित्रलेखा द्वारका गई और अपनी योग माया शक्ति से सोए हुए अनिरुद्ध को शोनितपुर में उषा के पास ले आई। जैसे ही उषा ने अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध ने उषा को देखा तो उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया और दोनों ने एक दूसरे से विवाह भी कर लिया। जब ये बात बानासुर को पता चली तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने उषा को और अनिरुद्ध को कैद कर लिया। तब महर्षि नारद ने अनिरुद्ध के कैद होने की खबर श्री कृष्ण को दी। इस बात से श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी नारायणी सेना के साथ बानासुर पर आक्रमण कर दिया और अपने पहले ही तीर से बानासुर का विजय ध्वज भी तोड़ दिया। तब बानासुर का और श्री कृष्ण का युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही अलग अलग शस्त्र अस्त्र से एक दूसरे पे वार करने लगे। एक समय ऐसा आया कि बानासुर ने ब्रह्मशिर अस्त्र श्री कृष्ण पे छोड़ा। तब श्री कृष्ण ने उसके जवाब में नारायण अस्त्र छोड़ा। जैसे ही ब्रह्मशिर अस्त्र और नारायण अस्त्र का टकराव हुआ वैसे ही नारायण अस्त्र ने ब्रह्मशिर अस्त्र को निगल लिया। साथ ही साथ नारायण अस्त्र से श्री कृष्ण ने बानासुर की चार भुजाएं छोड़कर सारी भुजाएं काट दी और नारायण अस्त्र को वापिस ले लिया। यह देखकर बानासुर भयभीत हो गया और उसने महादेव का आह्वान किया। तब बानासुर के संरक्षण के लिए स्वयं महादेव युद्ध क्षेत्र में आ गए और महादेव का और श्री कृष्ण का युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही अलग अलग शस्त्र अस्त्र से एक दूसरे पे वार करने लगे। उनका यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। यह देखकर श्री कृष्ण ने अपने अंतर्मन से महादेव से कहा कि हे महादेव, जब तक आप इस युद्ध में उपस्थित है तब तक मैं बानासुर को छू भी नहीं पाऊंगा, अतः धर्म की रक्षा के लिए आप ही कोई मार्ग दिखाइए। तब महादेव ने अपने अंतर्मन से श्री कृष्ण को उनपे जमनास्त्र चलाने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने जमनास्त्र का संधान किया और उसे महादेव पर चलाया। जमनास्त्र के कारण महादेव मोहित हो गए और भारी निंद्रा में चले गए। तभी श्री कृष्ण ने बानासुर के शीश को धड़ से अलग करने के लिए सुदर्शन चक्र का संधान किया, लेकिन तभी ब्रह्मदेव युद्ध क्षेत्र में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे नारायण, आपने प्रह्लाद को वचन दिया था कि आप उसके पीढ़ी में जन्म लेने वाले किसी भी राक्षस का वध नहीं करेंगे, लेकिन तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, बानासुर ने अपनी शक्ति के अहंकार में सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरे और उसके स्वयं के आराध्य महादेव का भी अपमान किया है। वो भक्त ही क्या जो वरदान पाने के बाद अपने स्वयं के आराध्य का ही अपमान करे। आज इस पापी का वध मैं करके ही रहूंगा, भले ही इसके लिए मुझे मेरा वचन ही क्यों न तोड़ना पड़े। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र बानासुर की तरफ फेंका, लेकिन तभी महादेव निद्रा से बाहर आए और उन्होंने उस सुदर्शन चक्र को रोक लिया तथा उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे नारायण, आपने यह वचन अपने परम भक्त प्रह्लाद को दिया था, आप अपने भक्त को दिया हुआ वचन कैसे तोड़ सकते हैं प्रभु। बानासुर प्रह्लाद का ही वंशज है, कृपया उसे माफ कर दीजिए। महादेव की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापिस ले लिया। यह सब देखकर बानासुर को भी अपनी गलती का तथा दुर्बलता का एहसास हुआ और उसने श्री कृष्ण से और महादेव से क्षमा मांगी और उषा को तथा अनिरुद्ध को कैद से मुक्त कर दिया तथा सारी विधि विधान के साथ उषा का विवाह अनिरुद्ध से कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी ये प्लीज हमें कमेंट में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।